बीजन बारे में जो 11 दिवसीय पुराण महोत्सव चल रहा है, ये पुराण का जो महोत्सव कैसे समापन किया जा रहा है, उसका आयोजन आप कैसे कर रहे हैं, थोड़ा जनाइए ना। सभी को शिव महापुराण का सादर नमस्कार। ये एक पटक राधिका दास जी जो नेपाल में रहती है, ख्याति प्राप्त इंटरनेशनल गायिका है। हम लोग का सौभाग्य मिला कि हम लोग बिजनबाड़ी में उनको आमंत्रित किया, उन्होंने आमंत्रित स्वीकार करते हुए बिजनबाड़ी में आई। 31 तारीख से 10 तारीख तक हम लोग का ये पुराण चल रहा है जी। आज हम लोग का चौथा दिन जा रहा है जी। और सभी से ये निवेदन है, आइए ख्याति प्राप्त जो वर्जित गरिएको छ नाम चली हुई गायिका है, भोजन गर्नु हुँदैन, भक्ति भाव का श्रवण सुनकर सब अपना आनंद महसूस करें, अपना जीवन को सफल करें। संध्या को समय मा जी, ये चार दिन, आज तो चार दिन हो गया, वो पहले दिन से आज तक का कार्यक्रम कैसा रहा, थोड़ा जनाइए ना। बहुत बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट में हम लोग शोभा यात्रा निकाली गई थी जो यहाँ से पुलवजा रोते हुए बड़ी में समापन हुई। उसके बाद एक तारीख से कंटिन्यू हम लोग के ये प्रवचन शुरू हुआ है। आज तो हम लोग का सिलीगुड़ी से भी काफी जन आए प्रवचन सुनने के लिए, बाहर से भी बहुत जन आ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए। मतलब पंडाल में बहुत भीड़ है और बहुत आनंदित है हम लोग के, जो हम लोग ने शुरू करवाए भव्यता भी है। आगे भी आशा है की किस तरह से ये समापन हो, सभी का जीवन में सुधार आए, सभी अपने जीवन जीने का तरीका सीखे जी। और इसमें जो बिजनबारी में पुराण हो रहा है तो जोरथांग बिजनबारी से बहुत नजदीक का एक बाजार है और रिम्बिक लोदमा भी है, बहुत बहुत बड़ा बाजार है। उन लोगों को जो व्यापारी वर्ग है उन लोगों को आप कैसे निमंत्रण करेंगे? आज तो लोदमा से काफी जन आए हुए हैं जी, और जोरथांग तो हम लोग गए भी थे, सभी को निमंत्रण दे के आए हैं। हम लोग को विश्वास है वो लोग जरूर आएंगे, रिम्बिक से भी जरूर आएंगे। मैं अपने दरिद्रता देवी हिंदी भाषी रिम्बिक वासियों को और जोरथांग वासियों को सभी से निवेदन करूंगा कि आए और प्रवचन सुनकर अपना जीवन धन्य करें जी। जो चैनल देख रहे हैं, चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को आप कमेटी के पक्ष से क्या कहना चाहते हैं अंत में? मैं चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को यही आप निवेदन करता हूँ कि कृपया सभी जन आए, सभी जन आए और कथा सुनकर आप लोग आएंगे, हम लोग का गौरव बढ़ेगा, आप लोग का आगमन ही हम लोग का भव्यता है जी। अंत में क्या कहना चाहते हैं? ये तो बड़ा इतना बड़ा महोत्सव चल रहा है, पुराण चल रहा है, किसी का दान देने के लिए कुछ इच्छा होगी तो आप कैसे उन दान को संग्रह करेंगे? नहीं, वो हम लोग का यहाँ पर आपका ऑफिस कार्यालय खुला ही है जी, वहाँ पर आदमी हम लोग का बैठा हुआ है। कोई इच्छुक धर्म की इस नदी में कोई डुबकी लगाना चाहे तो हम लोग का जो लोग योगदान देना चाहेंगे हम लोग स्वीकार करेंगे जी। आपने समय दिया इसके लिए आप धन्यवाद।